दुश्मन देशों की हरकतों को देखते हुए भारत पांचवी पीढ़ी यानी फिफ्थ जनरेशन के फाइटर जेट्स की तलाश कर रहा है। ऐसे में कई देश भारत को अपने युद्धक विमान बेचने में लगे हैं, मगर रूसी सुखोई 57 भारतीय वायुसेना के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। ये कुछ वैसा ही विमान है जिसकी तलाश भारत कर रहा है। रूसी सुखोई 57 फाइटर जेट भारत की पांचवी पीढ़ी के फाइटर जेट की जरूरतों के लिए एक संभावित विकल्प इसलिए भी है क्योंकि ये भारत की तत्कालिक जरूरतों को पूरा कर सकता है और ये लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स भी प्रदान कर सकता है। वहीं अगर इसकी खूबियों की बात करें तो ये एक ट्विन सीटर फाइटर जेट है। इसकी सबसोनिक रेंज 2200 मील, सुपरसोनिक रेंज 930 मील और सर्विस सीलिंग 66,000 फीट है। यह 30 लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है और 8 को एक साथ निशाना बना सकता है। भारतीय वायुसेना के एक अनुभवी ने कहा है कि दो सीटों वाले रूस निर्मित SU-57 फाइटर जेट की खरीद भारत के लिए तर्कसंगत होगी क्योंकि घरेलू पांचवी पीढ़ी के एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के विकास में कम से कम 15 साल लगेंगे। दिलचस्प बात यह है कि भारत फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट का हिस्सा था जिसे यूरेशियन संप्रभु राज्य और दक्षिण एशियाई देश 2007 में हुए एक समझौते के तहत संयुक्त रूप से विकसित कर रहे थे। अब क्योंकि भारत सालों से उन्नत स्टील सुविधाओं के साथ पांचवी पीढ़ी के फाइटर जेट्स की तलाश कर रहा है, स्पूतनिक इंडिया विश्लेषण करता है कि रूसी SU-57 भारतीय वायुसेना के लिए एक अच्छा अधिग्रहण क्यों हो सकता है। तो ऐसे में बता दें, SU-57 1991 में शीत युद्ध समाप्त होने के बाद रूस द्वारा डिजाइन और निर्मित पहला लड़ाकू जेट है। माना जाता है कि सुखोई निर्मित लड़ाकू विमान सबसे आधुनिक रेडियो इलेक्ट्रॉनिक युद्ध मशीनरी ले जाता है जिसमें एक कंप्यूटर भी शामिल है जो इसके दूसरे पायलट के रूप में काम करता है। सुखोई 57 की बॉडी कई कंपोजिट मटेरियल से बनी है जिससे यह आसमान में काम करने और दुश्मन के खिलाफ सभी प्रकार के ऑपरेशन करने में हल्का हो जाता है। इसमें नौसैनिक और जमीनी लक्ष्यों को ध्वस्त करना भी शामिल है। अब भारत के लिए चिंता की बात यह है कि भारतीय वायुसेना की स्क्वाड्रन ताकत तेजी से कम हो रही है। भारतीय वायुसेना ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि पाकिस्तान और चीन के संयुक्त खतरे से निपटने के लिए 42 स्क्वाड्रन की आवश्यकता है, लेकिन वर्तमान में भारतीय वायुसेना अपने विमानों के बेड़े में 31 स्क्वाड्रन के साथ काम कर रही है जिसमें फ्रांस निर्मित राफेल, रूस के MiG-29 और सुखोई 30 सहित अन्य जेट शामिल हैं। खैर, भारत अगर सुखोई 57 को चुनता है तो ये बुरा फैसला नहीं होगा। इस पर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।